चलिए देखते हैं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो उस वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उस इंसान का चेहरा अपने माइंड में लाए, इसको क्लेम करने के लिए मैंने बोल दिया है या तो 555 या 666 नंबर लिखे जिसके प्रति आप ड्रॉन फील कर रहे हैं। 555 या 666 में से जिस नंबर के प्रति एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं उस नंबर को आप लिख सकते हैं। एंड उसके साथ आप एक अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए छोटा सा मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ऐसा सोच करके कि इस नंबर के वाइब्रेशन के जरिए आपके पार्टनर तक टेलीपैथी के थ्रू का मैसेज पहुंच जा रहा है या पहुंच रहा है, पहुंच जाएगा, जैसे भी चाहे सोच सकते हैं। सो इस नंबर के साथ में छोटा सा मैसेज छोड़े कि आई लव यू, आई नो दैट आप भी मुझसे प्यार करते हो, या हमारा रिश्ता और अच्छा होता जा रहा है, दिन दिन और सुंदर होता जा रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि भगवान ने आपको मुझसे मिलवाया है, आपको मिलके मुझे सुकून महसूस होता है, मुझे यकीन है कि आपके साथ मेरी शादी होने वाली, एनी वन अफर्मेशन आप लिख सकते हो कि मुझे इस बात के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है कि आप मेरे पति हो, जो मैरिड है वैसे लिख सकते हो, जो मैरिड नहीं है और मैरिज को अफर्म मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। सो यू कैन जस्ट राइट नंबर एंड आई क्लेम इट करके एक अफर्मेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इस इंसान का जो है चेहरा अपने माइंड में लाइए और देखते हैं कि ये इंसान इस मोमेंट में, अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। माइंड में उस इंसान का चेहरा लाने के साथ साथ आप क्वेश्चन करिए कि क्या ये इंसान नाम के साथ मेरे बारे में सोच रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Okay, the person is thinking a lot about you, but at the same time is confused कि क्या हो रहा है उसके लाइफ में और इन सारे फीलिंग्स को वो छुपा रहे हैं, ठीक है। एक साथ में तीन चार चीज़ें आई है यहाँ पे, तो वो डिसेप्शन मोड में है, मतलब अपने इमोशंस को वो फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेजर आर्कना कार्ड स्ट्रेंथ शोज के वो फील कर रहे हैं इस चीज़ को, येस, बट द पर्सन इज़ टू मच कन्फ्यूज्ड क्योंकि इस फीलिंग्स को वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं, तो उनके मन में थोड़ी कन्फ्यूजन है। एंड इन कन्फ्यूजन से वो भागने के लिए अपने मैंने अंदर की जो फीलिंग्स है वो लोगों से या आपसे छुपाए फिर रहे हैं। उनके मन में एक उताव चराव सा हो रहा है, उलझन सा हो रहा है कि क्या उनके लिए आप ही सही हो, क्या यूनिवर्स आपको उनके करीब ला रहा है, ये बात उनको मान लेना चाहिए। सो येस, द पर्सन थिंक्स अ लॉट एंड उनको इस पूरे चीज़ में ना आप एक मजिशियन जैसे प्रतीत हो रहे हो कि आप शायद कुछ मैजिक कर रहे हो उनके लाइफ में और उनके जहन में आप बहुत ज़्यादा ही भरे पड़े हो। आपके बारे में वो सोच के खुश भी होते हैं एंड साथ साथ आप उनके लाइफ में आते हो तो यू आर अ लकी चार्म, आपके एग्जिस्टेंस से उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। डिवाइन साइंस एंड सिम्बल्स उनको मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे इमोशंस भी दिख रही है एंड साथ साथ ही इंसान आपके तरफ प्यार महसूस कर रहा है बट डर रहा है, सैडनेस फील हो रही है, एक अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जाकर के खुद से पूछ रहा है क्या मुझे इस रिश्ते को मान लेना चाहिए, क्योंकि शायद पहले उन्होंने अपने रिश्ते को किसी के सामने बोलने के बाद में उनको ब्लॉकेजेस मिली है, उनको धोखा मिला है, इस बात को सोच करके इसीलिए वो काफ़ी एंग्शियस होते हैं, बहुत चिंता में आ जाते हैं कि वो इंसान जैसे उनको एक स्ट्रॉन्ग पत्थर दिल जैसा बनने के लिए मजबूर कर दिया था, क्या आप भी वैसा करोगे, क्या आप भी सडनली कुछ ऐसा उनके लाइफ में कर दोगे, क्या ऐसे वो स्टक हो जाएंगे आपके प्रति भी, तो ऐसा उनके माइंड में चल रहा है इसीलिए वो सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा किसी से। हो सकता है वो ये हायरोफेंट की एनर्जी एक स्पिरिचुअलिटी, एक गाइड की एनर्जी भी होती है और साथ साथ यहाँ पे हो सकता है वो किसी न किसी से या तो भगवान से या किसी इंसान से डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि क्या ये इंसान जो है वो मेरे लिए सही है, क्या मुझे इसका हाथ पकड़ लेना चाहिए या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। सो ये चीज़ में ना वो फंसे हुए हैं, ठीक है। एक साथ में मैंने बहुत सारी इमोशंस बताया है आप लोगों को, क्लेम करते रहिएगा बीच बीच में कमेंट, जब रीडिंग देख रहे हैं ना साथ साथ क्लेम करते रहिएगा। साथ में रिश्तों में तो सिंगल का फोटो अफर्मेशन नहीं करना चाहिए, बट एक अफर्मेशन आप कर सकते हैं कि थैंक यू भगवान मुझे प्रोटेक्टेड रखने के लिए, मेरे फेवर में हर एक चीज़ को करने के लिए, आपको मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ, ऐसे हमेशा मेरा साथ देना, थैंक यू भगवान। चलिए देखते हैं कि उनके तरफ से क्या वो मूव लेंगे ये सब दलदल से जो वो गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हो रही है, आपने कुछ किया या जो भी नहीं किया, क्या वो कोई मूव लेंगे आपके तरफ, क्या वो फाइनली आ पाएंगे आपके तरफ।
वो आएंगे तो ज़रूर, बट इस आने के लिए ना उनको एक हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा, या किसी का, या हो सकता है उनको अपनी हार्ट ब्रेक से हीलिंग करके फिर आना पड़ेगा। सो ये एक बार में होने वाला नहीं है, बहुत आसान नहीं है, उनको 6 महीने तक का समय भी लग सकता है, बट ये समर सीजन के एंड तक भी हम मान सकते हैं, क्योंकि 6th month चल रहा है अभी, ये 6 का ही नंबर है, तो जून का महीना है, तो दिस कैन बी द 6th month ऑफ द ईयर एज वेल। सो एक हार्ट ब्रेक को हील करने के बाद में आना पड़ेगा, या उनके इस डिसीजन से हो सकता है किसी और का भी हार्ट ब्रेक है, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्या आपकी इस इंसान के साथ में फाइनली शादी होगी, और क्या आप इनके एक लौते स्पाउस होंगे, ऐसे भी देख लेते हैं ना, जो अनमैरिड कपल्स हैं उनके लिए क्वेश्चन जाता है, बिकॉज मेरे रीडिंग्स को मुझे पता है बहुत सारे मैरिड कपल्स भी दिखते हैं अपने रिश्ते के लिए। सो ये अनमैरिड के लिए हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या ये एक लौते स्पाउस होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि जो मैरिड कपल्स हैं उनकी डिवोर्स वगैरह किसी किसी की चल रही है, वैसे भी कपल्स दिखते हैं, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन उनके लिए नहीं है। ठीक है, सो यस, क्या आप उनके एक लौते स्पाउस होंगे। मे बी आया है, इंटरेस्टिंग राइट, मे बी आया है। चलिए इस मे बी को क्लैरिफाई करते हैं। अभी मैं उन लोगों को भी ऐड करती हूँ जिनके लाइफ में कोई और इंसान भी है, मतलब या तो मैरिड कपल के साथ में डेट कर रहे हो, या फिर डिवोर्सी के साथ में कर रहे हो, या डिवोर्स होने वाला है, वैसे है, समथिंग इज़ देयर, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके लाइफ में, कुछ शादी जैसा बन गया था, इंगेजमेंट जैसा बन गया था, इंगेजमेंट हो गई थी, उसको भी कुछ हद तक शादी जैसा माना जाता है, तो वैसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी। यस, होगी। ठीक है, 2 cards ऑफ सेलिब्रेशन एंड ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में आप लोगों की शादी होगी, और मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हु आर इन टू लव रिलेशनशिप इंक्लूड्स मैरिड पीपल एंड लिटिल थर्ड पार्टी सिचुएशंस, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं, शादी, प्यार, मोहब्बत बहुत सारे सिचुएशंस में होती है, बस हमें ये देखना है कि आपके साथ में जो रिश्ता आप रख रहे हो वो किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, उतना कोशिश करना है। ठीक है, बाकी ठीक है। सो यस, ये तो पॉसिबल है। एक फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं टैरो के तरफ से, फिर मैं गाइडेंस कार्ड से इंडिविजुअल गाइडेंसेस चेक कर लूँगी। सो द गाइडेंस कार्ड शोज, यहाँ पे और एक कार्ड पॉप अप कर रहा था, 2 pentacles की एनर्जी पॉप अप कर रही है, सो विच शोज कि आपको फ्रेश न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा इस इंसान के साथ में, फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगा, थोड़ा वेटिंग पीरियड हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, इट ऑल्सो शोज कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने लाइफ में, और उसके साथ साथ वो जैसे होता है ना, किसी ने आज मुझे सुबह कॉल करके बोला था कि मैं उनके साथ में सक्सेस को अचीव करना चाहती हूँ, तो मैं अपना कुछ काम उस तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे कि आप अपने सक्सेस की या अपने बिजनेस की या अपने ग्रोथ की गाड़ी पे बैठ जाओ और उसको चलाना स्टार्ट कर दो, बीच रास्ते उनको पिकअप कर लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ में बैठ करके ही गाड़ी चलाए, पैसेंजर सीट को बुक कर लो, किसी और को बैठने मत दो, मूव ऑन डजेंट मीन दैट यू नीड टू मूव ऑन विद सम अदर पर्सन, मूव ऑन मीन्स टू मूव अहेड इन लाइफ, जस्ट आगे बढ़ो, और साथ साथ उस इंसान को समय के साथ साथ रास्ते से ही पिकअप कर लेना। ठीक है, वो भी आपकी ही राह देख रही होगी या कुछ ना कुछ तरीके से रहेगा, सो ये इंसान को आप पिकअप कर लेना। लोनली फील कर सकता है वो इंसान आपके लिए या आप उनके लिए, उस लोनलीनेस को जितना हो सके थोड़ा हटा करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लो। ठीक है, सो यस, यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी तो दिख रही है, यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग भी दिख रहा है, एंड मैं अभी अलग अलग जो डेक्स है हमारी उससे मैं चेकिंग करूँगी। जो लोग सैडनेस एंड डिप्रेशन में ना, आप लोग अफर्म करना स्टार्ट करो, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रही है, थैंक यू भगवान, बोलते 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 ही ठीक होगा। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टाइमिंग, जब परफेक्ट टाइमिंग होगा
तभी सारी चीज़ें बनेंगी. एंड जो भी नेगेटिव लाइंस लिखते हैं उनको नो बोला जा रहा है, प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड मेडिटेशन आपको आंसर्स लाएगा, रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है. जस्ट बिलीव इन एवरीथिंग. सी, मेरे लाइफ में भी, मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊँगी. 2 साल पहले मेरा भी एक हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप जो भी बोलो हुआ था. एंड वो बहुत अजीब तरीके से था, क्योंकि इंसान जाने के एक दिन पहले मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बोलता है कि तुम ही मेरी ज़िंदगी की सब कुछ हो, ये वो 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 एक्स्ट्रा. मैं तो सोची थी इतना क्या बोल रहा है, इतना तो कभी बोलता नहीं है. एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे ही उसने मुझे कर दिया था ब्लॉक, एंड कभी उसके बाद में बातें नहीं हुई थी. तो मुझे उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये पता नहीं चला था कि एग्जैक्टली हुआ क्या. और हमारे बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा. हाँ, लड़ाई होती थी, बट फिर भी उसको शायद मैंने बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ में ट्रस्ट किया था. उतना ट्रस्ट तो मैंने किसी को नहीं किया था. सो एनीवेज, उसके बाद में मैं कैसे हील करी खुद को, इट टुक मी टाइम. मैंने उसके बाद में रोज़ क्वार्ट्ज़ पहना था. आई वोर 5 to 6 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेसलेट. मैंने रोज़ क्वार्ट्ज़, सिट्रीन, 7 चक्रा, क्लियर क्वार्ट्ज़, फिरोज़ा, इन सारे ब्रेसलेट्स का, नज़र सुरक्षा कवच, इन सारे ब्रेसलेट. मेरे हाथ भरे हुए होते थे इतना लंबा. मैं एक बार पिक्चर भी है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ऐसे भरे हुए होते थे. एंड उसके बाद में मेरी एक दीदी है, उनसे भी मैंने कनेक्ट करके उनको भी लिखा था. उन्होंने कुछ बोला नहीं था, बट शायद अपने तरफ से उन्होंने भी प्रे किया होगा. फिर मैं सिर्फ अफर्मेशन, वॉटर अफर्मेशन देती थी कि आई एम अ हील्ड सोल, ऐसे पानी भरती थी. मैं करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे मैंने खुद को हील किया. नोबडी वाज देयर ना. मैं अपने रूम में सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसमें इतने मेमोरीज थे, मुझे बहुत हॉन्ट करते थे, सपने में भी आता था. एंड मैं ज़मीन पे नीचे सोती थी हॉल में, ठीक है. सो मैंने भी देखा है नेगेटिविटी. आप लोग जो डिप्रेस डिप्रेस बोलते हो ना, एनीवेज, सो जब आपके पास में बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस एक साथ में होते हैं ना, तो आप उस सिचुएशन में सीख जाते हो, ठीक है. सो ऐसे ग्लास को नहीं, इफ़ यू हैव अ मेंटर यू आर वेरी लकी. सो आई एम ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे बहुत किसी के लाइफ में मेंटर होने का मौका दिया, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से उनको सिखाने का अवसर पाई, ठीक है. सो हाथ में लो और फील करो. आई एम अ हील्ड सोल. आई एम कम्प्लीटली हील्ड. मैं पूरी तरीके से हील्ड हूँ. थैंक यू भगवान. आई एम कम्प्लीटली हील्ड. मैं पूरी तरीके से हील्ड हूँ. इसको पीते वक्त आप माइंड में किसी मंत्र को चैंट कर सकते हैं, हरे कृष्णा बोलिए या जो भी मंत्र आपको पसंद है. विथ टाइम यू विल फील दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ. फील करके करो, यू विल फील इट, ठीक है. सो इस तरीके से करिए. रोने से कुछ नहीं होता, बिलखने से कुछ नहीं होता. उस इंसान को मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था फ़ोन करने के लिए, वो मुझे मिला नहीं और मुझे उसकी कोई गम नहीं है. मैं उसको ऐसा सीख लेती हूँ. उस टाइम पे मैंने जैसा अपने आप को हील किया, शायद वो नहीं होता तो आज मैं जो हीलर हूँ उस लेवल की हीलर मैं कभी नहीं बन सकती थी. आज जो इतने सारे लोगों को हील करने के बाद में मुझे जो फीडबैक्स मिलते हैं कि अच्छा लगता है, आप लोगों में से ही सब बोलते हो कि अच्छा लगता है, ठीक है. और ये चीज़ बन गया, आपके सेशंस अटेंड करके ये काम बन गया, ये चीज़ बन गया, तो अंदर से भगवान को थैंक यू करती हूँ कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे ये मौका दिया. हाँ, गुस्सा तो बहुत आता था. मैं शनिदेव को बोलती थी, ऐसा क्यों किया. तुरंत शनिदेव जैसे माइंड में, या कृष्ण भगवान माइंड में, या महादेव बोलो माइंड में देते थे, अरे यार तेरे साथ में अगर ऐसा हुआ नहीं होता तो इतने सारे लोगों को कैसे मदद करती. तो वो चीज़ भी है कि एक तरीके से ना अंदर से वो चीज़ फीलिंग आई कि हाँ, इतने सब कुछ घटनाएं घटी बोल करके आज शायद इतने लोगों को हील कर पा रही हूँ. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. सो इसी के साथ साथ मैं कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ. जिन लोगों को रिलेशनशिप की इश्यूज़ हो रही है, अपने आप को हील करना चाहते हो, सो आप एक 1-to-1 सेशन मेरे साथ वीडियो कॉल पर ले सकते हो. फ़ोन कॉल पे भी हो सकता है, बट वीडियो कॉल के सेशंस ज़्यादा अच्छे होते हैं. वैसा आप लोग लोगे तो बैठ करके 30-minute to 1 hour के सेशंस जो होते हैं उसको आप अटेंड कर सकते हो. साथ साथ मैं, क्योंकि मैं एक पुजारिन भी हूँ, अगर किसी को पूजा पाठ करवानी है अपने ग्रह दोष को ठीक करवाने के लिए, उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ है. बट मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं जिस जहाँ जहाँ से सीखी हूँ, मैंने यही सीखा है कि आप खुद अगर दवाई नहीं लोगे तो आपके अंदर की, डॉक्टर खुद दवाई लेके आपको हील कर दे ऐसा होता नहीं ना. डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, लेना आपको ही पड़ता है, राइट.
तो उसमें क्या होता है कि सो अगर आप वो मंत्र जाप या पूजा पाठ अगर आप खुद नहीं करते हो तो फिर आपके अंदर वो चेंजेस नहीं आती है, ठीक है। सो यू नीड टू एक्चुअली डू दैट, आपको खुद उसको करना पड़ेगा। आपको खुद उस तरीके से ही मैं गाइड करती हूँ कि आप खुद उस चीज़ को करो एंड वहाँ तक पहुँचो, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू डू, समझ गया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ टैरो सीखना भी है, इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो, तो मैं टैरो सिखाती भी हूँ। सो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ टैरो के साथ साथ वैदिक वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, तो इफ़ यू वांट टू डू दैट वो भी आप कर सकते हो। सो यू कैन कनेक्ट विथ मी, आपके सिचुएशन के हिसाब से समझ करके मैं आपको गाइडेंस दूंगी एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आज की जनरल रीडिंग खत्म होती है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।